स्वामी प्रसाद मौर्य का जो जहरीली बोल, लगातार साधु संतों को आतंकी कहना, अपशब्द कहना, आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का डिवियंस डिमोशन के बजाय आपने प्रमोशन कर दिया। हम अपील करते हैं, उनके ऊपर 21 लाख का इनाम घोषित करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सरतन से जुदा करेगा उसको राजू दास 21 लाख का इनाम देंगे। महंत राजू दास के निशाने पर हैं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। राजू दास स्वामी प्रसाद के सिर कलम करने की बात कह रहे हैं, जिन्होंने रामायण को बकवास कहा था। उनके समर्थन में रामायण की प्रतियां जलाई गई थी। स्वामी प्रसाद की विवादित टिप्पणी के बाद यूपी में सियासी बवाल मचा हुआ है। हिंदू संगठनों से लेकर बीजेपी तक उनके इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरे हुए है। पूरे मामले में बीजेपी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की चुप्पी पर भी सवाल उठाए तो अखिलेश यादव ने सीएम योगी से ही सवाल पूछ लिया। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं है, हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। और उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि मुख्यमंत्री से मैं सदन में पूछूंगा कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं, आप पढ़ दो चौपाई। श्री रामचरित मानस के अपमान पर स्वामी प्रसाद मौर्य का जहां एक ओर पूरे देश में विरोध हो रहा है तो वहीं पार्टी मुखिया की तरफ से मौर्य को प्रमोशन दिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी का राष्ट्र महासचिव बनाए जाने पर बीजेपी ने नाराजगी जताई है। बीजेपी का आरोप है कि रामचरित मानस का अपमान करने वाले को पुरस्कार मिला है। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले इस फैसले से अखिलेश यादव का जातिवाद चेहरा सामने आ गया है। यह निश्चित रूप से घृणा और नफरत की ये राजनीति है और यह लोगों ने जिस प्रकार से हिंदू सनातन की भावना को आहत किया है, इनपे निश्चित रूप से इनपे धाराओं में इनपे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके खिलाफ और उनके लोगों के खिलाफ जो समर्थक हैं, जिन लोगों ने इस तरह के कृत्य किया रामचरितमानस के पक्तियों को पन्ने को जलाने का, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए ताकि दोबारा कोई इस उत्तर प्रदेश के रामकृष्ण की धरती पर कोई दोबारा हिम्मत न करे। वहां समाजवादी पार्टी ने उन्हें महासचिव बना करके आज प्रोत्साहित किया है, पुरस्कृत किया है। समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है कि उत्तर प्रदेश में कैसे जातीय संघर्ष उत्पन्न किए जाए, कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाए, कैसे कानून व्यवस्था को खराब किया जाए, और इसके लिए तमाम नेताओं को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए अपना खुद का विधानसभा चुनाव हारे हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को पहले विधान परिषद का सदस्य बनाया और अब राष्ट्रीय महासचिव बना करके ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो जितना जहरीला बयान देगा, जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, सपा में उसका उत्तर स्थान उतना ही ऊंचा होता जाए। रामचरितमानस को लेकर मायावती ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लिखा, रामचरितमानस की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगाया, साथ ही विवाद को समाजवादी पार्टी और बीजेपी की मिलीभगत बताया है। मायावती ने कहा कि दोनों पार्टियां धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती हैं। जनता ऐसे घटिया राजनीति से बचे, मायावती ने अखिलेश की चुप्पी पर भी सवाल उठा दिए। हिंदू ग्रंथ को अपमानित करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर अभी भी कायम है और समय समय पर खुद को साबित करने के लिए कुतर्क भी करते रहते हैं। ये पहली बार नहीं जब स्वामी प्रसाद ने विवादित बयान दिया हो, इससे पहले भी वो विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस डिजिटल।